मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तेजी से प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है वो भारत विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। भारत में अराजकता और अस्थिरता फैलाने के लिए विदेशी ताकतें हमेशा कोशिश करती रहती हैं और उनका साथ देने के लिए तैयार रहता है पूरा टूल किट गैंग, क्योंकि भारत के बढ़ते कद से हर भारत विरोधी परेशान है। जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत ने प्रगति की है उसे देखकर हर भारत विरोधी परेशान है। इसलिए जॉर्ज सोरोस फंडेड हिंडन वर्ग भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए बेबुनियादी रिपोर्ट जारी करता है जिससे वो भारतीय मार्केट को नुकसान पहुंचा सके, भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सके। इसलिए साजिशन वो इस तरह की कोशिशें कर रहा है और उसके एजेंडे को आगे बढ़ाने में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष लग जाता है। भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने में जुटे लोगों के एजेंडे को कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इसलिए प्रमोट कर रहा है क्योंकि उन्हें मोदी जी का विरोध करना है। लेकिन ये लोग कब मोदी विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे इन्हें खुद भी नहीं मालूम। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी, अब भारत का नंबर है। कांग्रेस जानती है कि जनता उन्हें 3 बार नकार चुकी है और आगे भी नकारेगी। उन्हें भारत का नेतृत्व करने के लिए जनता कभी नहीं चुनेगी, इसलिए कांग्रेस बांग्लादेश जैसा कुछ भारत में चाहती है। इस पर कांग्रेसी नेताओं के बयान आने से कांग्रेस का मंसूबा भी साफ हो चुका है। हिंडनबर्ग और विपक्ष ने पिछली बार भी यही प्रयास किया था और इस बार भी एक नाकाम कोशिश हिंडनबर्ग और पूरा विपक्ष कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत में आर्थिक अस्थिरता पैदा करने के लिए कांग्रेस समेत पूरे टूल किट गैंग को आर्थिक रूप से फायदा पहुंचा रहा हो, जिसके लिए ये लोग भारत में विदेशी एजेंडा फैलाने में जुटे हैं। इसलिए हर भारतीय जागरूक है, वो इनके झांसे में नहीं आने वाला, वो इन विदेशी ताकतों और उनका साथ देने वालों को मुंहतोड़ जवाब देकर रहेगा।